अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे जहां पर एमपी सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। जी हां, निगम एक्ट में संशोधन को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। और इस नोटिफिकेशन का जो मकसद है वो ये कि अब 3 साल से पहले आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, यहां पार्षदों की बात हो रही है, और 2 साल की अवधि को अब 3 साल कर दिया गया है बढ़ाकर। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 3/4 पार्षदों की आपको जरूरत होगी, और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43(क) में संशोधन कर ये बदलाव किया गया है। और ऐसे बदलाव के बाद, क्योंकि पहले काफी समय से इसकी चर्चा चल ही रही थी कि राज्य सरकार इस बदलाव को जल्द ही मंजूरी दे सकती है, और अब ये बदलाव हो गया है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको सबसे पहले 3 साल की अवधि और उसके बाद 3/4 पार्षदों की संख्या बल की आवश्यकता होगी। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो निगम एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया गया, 2 साल का अवधि को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया, यानी कि 3 साल तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने पेशे के बाद पुलिस रिमांड पर भेजा। दरअसल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हाजी शहजाद अली अब पुलिस की हिरासत में रहेगा और पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की जानकारी मिल रही है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने पेशी के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड को मंजूरी दी है। हाजी शहजाद अली, जो कि छतरपुर में कोतवाली पर हुई पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड है, ऐसा आरोप उस पर है, और इस पूरे मामले में कई तरह की सफाई और तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसे बीते रोज गिरफ्तार कर ही लिया गया, जो जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पहुंचने से पहले ही धर लिया और अब उसे ले जाया गया है रिमांड पर। 3 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने उसे भेजा है। अब रिमांड में क्या कुछ खुलासे होंगे, मसलन करीब 150 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन लोगों के नाम पते क्या हाजी शहजाद अली बताएगा, और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए किस तरह की प्लानिंग थी, कौन लोग और इसमें शामिल हैं, और आगे की इसकी क्या योजनाएं हैं, और क्या वाकई ये एक समय काल परिस्थिति के अनुसार घटित हुई घटना थी या फिर इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, ये फिलहाल जांच का विषय रहेगा। हाजी को आज गिरफ्तार किया गया है दोपहर के वक्त और एमएलसी करा के न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने रिमांड लिए 3 दिन और इसी रिमांड में हम पूछताछ कर बुला सकते हैं। क्या सर अभी रिमांड पर क्यों लिया है, क्या साक्ष्य जुटाने हैं? अभी बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस इस मामले में कई एंगल पे जांच कर रही है। हाजी शहजाद इसमें मुख्य आरोपी, उनकी पूछताछ से बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होने संभव। खबर विदिशा से, जहां पर एक गाड़ी में बड़ी संख्या में गौवंशों का मिलना पाया गया और गुस्साए लोगों ने यहां मारपीट भी की और इस दौरान वाहन में तोड़फोड़ भी की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर विदिशा से है जहां पर गाड़ी में बड़ी संख्या में गौवंश मिले और इस दौरान गुस्साए लोगों ने तस्करों के साथ जमकर मारपीट कर दी। वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर पुलिस पहुंची मामले की जांच में जुट गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है और देर रात ही पूरा घटनाक्रम हुआ जब गौवंश से ले जाया जा रहा वाहन पकड़ लिया गया और तस्करों को जमकर पीटा गया। विदिशा से सामने आई ये तस्वीरें, कार्रवाई क्या कुछ चल रही है इस पर और आगे डिटेल्स पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये उस वक्त की जब गौवंशों की तस्करी के आरोप में वाहन चालक और उसके सहयोगी को पकड़ लिया गया और इस वाहन से काफी गौवंश मिले हैं, और अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्या डिटेल्स इसमें मिलती हैं, आगे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और खबर शिवनी से, जहां पर दो भाइयों के बीच लाठी डंडे चल गए। लखनादौन तहसील में दो भाइयों में मारपीट हो गई और मारपीट की कुछ तस्वीर भी सामने आई। दरअसल जमीन बंटवारे का यह पूरा विवाद था और धनकड़ी गांव के रहने वाले दोनों भाई बताए जा रहे हैं तहसील न्यायालय में पेशी पर दोनों आए हुए थे और पुलिस ने दोनों भाइयों पर मामला दर्ज कर लिया है। और इस दौरान की देखिए विवाद की जो तस्वीरें वो सामने आई जहां पर पूरा विवाद हुआ। ये तहसील कार्यालय का परिसर है जहां पर जमकर डंडे चल रहे और ये कोई दुश्मन नहीं,
ये दोनों आपस में भाई हैं और जमीन के लिए इनकी लड़ाई है। आखिर दो भाइयों के बीच जमीन विवाद का ये पूरा मामला, जिसमें देखिए दो लोग मिलकर पहले एक पर हमला करते हैं और फिर लाठी से अपने भाई को जमकर पीटता एक शख्स, जमीन बंटवारे का ये पूरा विवाद है। सिवनी से ये तस्वीरें सामने आई। और बढ़ते आगे, बिलासपुर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पुलिस ने बदसलूकी के आरोपियों का बाकायदा जुलूस निकाला। वहीं डीजे बंद करने पर पुलिस पर हमला किया गया था। पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ी गई थी और एक नाबालिग सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनका जुलूस निकाला गया है। जन्माष्टमी पर डीजे बंद करने पर विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा कि पुलिस पर ही हमला कर दिया गया, बदसलूकी की गई और 10 आरोपी, इसमें एक नाबालिग भी है, जिन्हें गिरफ्तार करके इनका शहर में जुलूस निकाला गया है। तस्वीर आपके सामने बिलासपुर की, जहां आरोपियों का जुलूस निकालते हुए पुलिसकर्मी नजर आए।